जय भोलेनाथ दोस्तों, 3:34 PM 3:34 हुई है। अभी मार्केट सिर्फ 4 मिनट पहले बंद हुआ है। ओनली 4 मिनट्स अगो द मार्केट गॉट क्लोज्ड। नाउ डिस्क्लेमर सबसे पहले देख लेते हैं। दिस इज द डिस्क्लेमर और इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से भी पढ़ सको इसको। मेरे ख्याल में अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको, है ना? तो इसको आप पढ़िए। इसको पढ़े बिना मेरा वीडियो देखना एक तरह से समझ लीजिए गुनाह है। तो इसमें जो लिखा हुआ हर एक वर्ड को पढ़िएगा, फिर ही मेरा वीडियो देखिए। और इस ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाइए आज का मार्केट क्या हुआ। मैंने क्या बोला, आज लास्ट डे है आपके लिए, आज बुकिंग करके जाइएगा। सारा तेज़ी आज ही दिखाएगा। आ गया 700, लगभग 700। क्या बोला था बॉस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को मैंने चेहरे के साथ आपके साथ आया था वीडियो बनाते वक्त कि आप सबको ट्रैप किया है। और ये 416, उस समय ट्रंप बीमार हुआ था, हॉस्पिटलाइज हुआ था और डाउ जोन्स फ्यूचर 450 पॉइंट माइनस था। उस समय मैंने अपने चेहरे के साथ आया था, आपका वीडियो बनाया था, तो भी दावे के साथ बोला कि 250 से 300 पॉइंट जब तक इस सीरीज़ में नहीं खींचेगा इस वीक में, तब तक आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये मैंने चैलेंज किया था। और थर्सडे को हमारी 1 अक्टूबर को क्लोजिंग थी 11,416। 250 पॉइंट हुआ कि नहीं 416 से? आज की क्लोजिंग ही 662 आ गई है। अभी क्लोजिंग तो आने को बाकी है, एक मिनट बाकी, लेकिन आप देख सकते हो। ये वर्ड मैंने उस दिन बोला जब सब पूरी दुनिया हिल गई कि ट्रंप बीमार हो गया, चला गया हॉस्पिटल। मैंने चीख चीख के बोला जो डाटाज मुझे दिखा रहे हैं आपको 250 से 300 पॉइंट खींचे बिना ये मानेंगे नहीं। बोला था ना मैंने आपको, बैंक निफ्टी भी बोला था 23,000। कल भी सुबह थोड़ा सा तेज खुलेगा बैंक निफ्टी, लेकिन वहाँ ठोकना चाहिए, ठीक है? अब आ जाइए, कुछ बातें हम कर लेते हैं। तो आपको वो वीडियो एक बार वापस दिखाता हूँ, हालांकि बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा और बहुत प्यार भी दिया, इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो जो 2 अक्टूबर को बनाया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 अक्टूबर, ठीक है? 2 अक्टूबर 8,000 लोगों ने देखा इसका और 2,000 लोगों ने लाइक किया। ये मेरे लिए, मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। और 118 लोगों ने ही डिसलाइक किया। इसका मतलब कितने लोग मेरे चेहरे से साथ आने से बहुत पसंद करते हैं। तो अब आ जाइए इसकी थोड़ी सी बात सुनते हैं। तो क्या हुआ भाई साहब, वो एक्सपायरी हुई थी 24 तारीख को गुरुवार और कल भी था गुरुवार। वन वीक 10,790 का माल कल 11,430 आ गया कि नहीं? तो सालो, उसके बाद तुमने किसी ने मैसेज नहीं किया कि सर यू वर ग्रेट, यू वर माइंड ब्लोइंग, उधर हमको बाई करना था, आप सही सलाह दे रहे थे। 20,400 थी उस दिन बैंक निफ्टी, चीख चीख के बोल रहा था मैं। और अब तुम में से 90% लोग शॉर्ट में है, तो ये मार्केट बाबा जी का घंटा गिरेगा। भले आज ट्रंप को और मेलिना मैडम को कोरोना भी हो गया है, तो भी मैं डैम कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में फॉल आती है, इट विल बी नॉट मोर देन 80 to 90 पॉइंट्स और नॉट मोर देन 100 पॉइंट्स, एंड दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्ट, मोस्ट गोल्डन चांस टू बाई। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, कोई तर्क होना चाहिए ना यार। मैं कैसे तुक्का मार दिया 11,800 जाएगा, 10,700 जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव टू गिव लॉजिकल व्यू। अब देखो क्या हुआ, मैंने आप लोग को बहुत चीख चीख के समझाया था गुरुवार को कि नेक्स्ट एक्सपायरी 29 अक्टूबर तक FI पे शॉर्ट सेलिंग का बेन लगा दिया है, फिर से एक्सटेंड कर दिया। उसके बारे में भी एक फर्ज समझ के वीडियो बनाया था दोस्तों, बनाया था ना दोस्तों, समझाया था कि इसको एक्सटेंड कर दिया तो FI के पास कोई तरीका नहीं है कि वो मार्केट को शॉर्ट करे। बाजी ये तो देखा ही था आपने, और इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, समझदार को समझाने की दरकार नहीं है। अब आ जाते हैं, एक मैंने डाटा का भी वीडियो बनाया था दोस्तों इस छुट्टी के दौरान, जो 3 दिन के वीकेंड था, बड़ा वीकेंड, एक डाटा लेके भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कुछ और बोला है। कहाँ है भाई, हाँ ये रहा। नेक्स्ट वीक फिर से BS के लिए बुरे संकेत, डाटा कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। ये भी 4 दिन पहले का वीडियो आप देख सकते हो,
क्या बोल रहा हूँ इसमें, जय जितेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों, 10:00 ये तो 1 अक्टूबर का ही है, 46 PM, 1 अक्टूबर जिस दिन मार्केट बंद, 46 PM, और आज 1 अक्टूबर है। अक्टूबर इज द मंथ आई लव द मोस्ट एज आई चलिए इसमें सुनते हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट इंडेक्स लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। तो FI का क्या आ गया, पिछले वीक में लॉन्ग का करीब करीब 6 लाख, कितना था, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, अरे यार ये क्या साला, नेट का तो बड़ा प्रॉब्लम होता है यार, ये बताओ आदमी, ऐसा कुछ क्लोजिंग हुआ आज तो 700 का लेवल हमको नेक्स्ट वीक में दिख जाना चाहिए, इसको दिखते हुए मैं बोल सकता हूँ 11700 का लेवल नेक्स्ट वीक में दिख जाएगा। फिर से सुन लीजिए इसको, बाइक ही है क्या बोल रहा हूँ, क्लाइंट ने जम के मंदी की, ये 1 अक्टूबर को बोल रहा हूँ 400 पे क्लोज हुआ। ओवरऑल ये सिचुएशन क्या दिखा रही है कि नेक्स्ट वीक अच्छी खासी तेजी है, यानी कि 300 पॉइंट की तेजी तो मिनिमम मान के चलिए फ्रॉम इंडेक्स क्लोजिंग टुडे। 415-20 पे आज क्लोज हुआ है, 415-16 पे ऐसा कुछ क्लोजिंग हुआ आज तो 700 का लेवल हमको नेक्स्ट वीक में दिख जाना चाहिए, इसको देखते हुए मैं बोल सकता हूँ 11700 का लेवल, दैट्स इट, हो गया। चलिए बहुत बड़ाई कर लिया, अब सीधा चार्ट के बारे में बात करते हैं। आज का निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं पहले, तो मैं थोड़ी बहुत ध्यान से सुनेगा, स्किप करने वाले मेरा वीडियो मत देखिए, आप दूसरों का देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप स्किप करके देखते हो, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है, सीखिए ज़िंदगी में काम आएगा, ज़रूरी नहीं है मेरा वेबिनार ही अटेंड करना, उसके बिना भी आप इससे भी बहुत सीख सकते हो, ठीक है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि आप मेरे वेबिनार में ही आओ, ठीक है, पहला ऐसा बंदा होगा जो बोलता होगा कि कोई ज़रूरत नहीं। अब आ जाइए निफ्टी, कल सुबह अगर स्ट्रांगली खोला तो भी अब गिरावट कल पक्की है, कल का दिन मैं गिरावट वाला दिन मान रहा हूँ, 2.50 के आसपास, कल मैं सुबह कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा अपने हिसाब से, मैंने आज सुबह ही आपको चाय की चर्चा में क्लियर कट बता दिया, आज प्रॉफिट बुकिंग करना है, और अगर बाई करना तो वो 3 स्टॉक भी मैंने बता दिया था, गेल, कोल इंडिया और ITC, इनमें सेफ रहोगे, और रिलायंस कल भाग सकता है ऐसा मुझे लगता है, तो मैं आज कुछ व्यू नहीं देने वाला और कल भी देने वाला नहीं, कल भी मैं 2:30 बजे बाद ही आऊँगा डायरेक्टली मार्केट में, सुबह से कोई चांस नहीं है, और जो मेरे पर्सनल फॉलोअर उनसे भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ता हूँ, पैसा बचाना भी पैसा कमाना होता है मार्केट में, ठीक है, तो प्रॉफिट को अभी रखिए, कल बहुत बड़े बड़े मौके देगा मार्केट, हम दो अगर कुछ रहा तो मैं एडवांस में ही बताऊँगा, चिंता मत करिए। तो पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता, इतना आसान नहीं है, आप शेयर के मुंह से पैसा छीन रहे तो समझ के चलिए, ठीक है। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, आज मैं कुछ ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं, अब मैं आपको थोड़ा IT का बारे में बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी भी बुलिश बंद हुआ, कल एक बार जरूर तेज खोलेगा, 23,000 के ऊपर भी जा सकता है, कल ठोक दीजिएगा लेकिन, ठीक है, सुबह अगर तेजी मिलती है कल मैं शॉर्ट करके मेरे काम में निकल जाऊँगा। अब आ जाता हूँ मैं, आज मैंने आपको TCS और उनका बोला था कि आज सेल ऑन राइज है, अब देखिए TCS का चार्ट क्या बना दिया, कल इसका रिजल्ट भी है, क्या बना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग में से सब जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन एट द टॉप, और कितनी बड़ी वीक के साथ बनाया, तो कल इसकी माँ बहन होने वाली है, 100 में से 90% चांस है, लेकिन 10% कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट मेरे पिताजी नहीं चलाते, ठीक है, और ना आपके, मार्केट अपनी मर्जी से चलता है और मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। फिर भी मुझे कल ये अच्छा खासा डाउन लग रहा है, कल इसमें गिरावट स्टार्ट हो सकती है, और मेरा टारगेट अगर कोई 10-15 दिन 20 दिन रखने सकता है तो मेरा टारगेट 2500 के नीचे का है TCS, ठीक है, और इनफैक्ट अगर और बड़ी गिरावट आई तो हो सकता है ये 2350 भी आए, लेकिन आप लोग पुट वाले वो सब मत मुझे पूछिएगा सर क्या लूँ क्या नहीं, ठीक है, ब्लॉक कर दूंगा सीधा, ठीक है। तो अब IT इंडेक्स भी देख लेते हैं, और मैं TCS आज शॉर्ट किया हूँ लास्ट में, मैं आपको डिस्क्लोजर देता हूँ, मैंने शॉर्ट किया और मैं डरता नहीं हूँ इसमें, और बढ़ भी गया तो IT इंडेक्स में भी सेम हैंगिंग मैन बना, और मैंने आपको सुबह ही आज चेता दिया था, ठीक है,
तो आज राइज, आज की राइज आपको मौका दी और आज इसने शायद 21,000 छू दिया, नहीं छुआ, आज भी ओपनिंग हाई ही रहा, यानी कि कल इसमें गिरावट पक्की है, कल 21,000 क्रॉस नहीं कर पाना चाहिए मुझे लगता है। अब एक शेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आज आपको बता देता हूँ, अब डॉक्टर रेड्डी मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, मार्केट भले ही नीचे जाए ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें एक पेनेंट पोल एंड पेनेंट पैटर्न बना है, इसको फ्लैग नहीं बोलते, इसको पेनेंट बोलते हैं, ठीक है, जब छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है ना, इसको पेनेंट बोलते हैं, फ्लैग में रेक्टेंगुलर होना चाहिए, और ये पोल, तो इसमें बड़ी तेज़ी भी आ सकती है डॉक्टर रेड्डी में, अगर ये 5220 के ऊपर निकल गया ना, तो ये 5700 से लेकर 6000 तक जा सकता है, कितना जा सकता है, अगर ये 5220 के ऊपर क्लोज किया तो ये मान के चलिए 5700 से लेकर 6000 तक जा सकता है, और इसमें स्टॉप लॉस भी सुन लीजिए, 5100 के नीचे की क्लोजिंग आते ही आपका स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, लेकिन स्टॉप लॉस को भी इज्जत देना, मैं भगवान नहीं हूँ, सिमेट्रिकल जो शेप बनता है उसमें दोनों साइड का चांस रहता है, इसमें ऐसा नहीं कि ऊपर का ही आएगा, फिर भी मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहा है ऐसा कि बहुत बड़ा तेज़ी इसमें आ सकता है, लेकिन आज 5136 पे बंद हुआ है, तो सिर्फ 36 पॉइंट का आपका रिस्क है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस यानी कि 5100 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तो आपको निकलना है, वरना नहीं निकलना है, ठीक है, और 5700 से लेकर 6000 का टारगेट मैं दे रहा हूँ इसमें, कब, जब ये 5220 के ऊपर क्लोज करने लग जाए तब, ऐसा नहीं कि हवा में, ठीक है, तो ये मुझे बुलिश लग रहा है, मैंने बता दिया, बाकी और कुछ नहीं आज, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, वेबिनार का भी बता दिया हूँ, जिसको रहेगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं रहेगा वो घर में ताली बजाएगा, तो बस यही है, सब कुछ साबित किया हूँ, सामने किया हूँ, आज किसी में वो नहीं है कि सर धन्यवाद, है ना, लेकिन जब गिर जाए तो देखो बैंक निफ्टी वही 20400 वाली बैंक निफ्टी आज 853 पे क्लोज हो रही है, 22853 पे, 24 तारीख को 20400 भी गया था, उस दिन भी मैं चीख चीख के बोल रहा था मैं क्यों बाइंग करवा रहा हूँ, ठीक है, था कोई बंदा अपना स्टांस पे रहा कि नहीं, मैं खुल के रहा, उस दिन निफ्टी क्या था 10790, 1000 पॉइंट खींच दिया निफ्टी को लगभग उस दिन से, याद आ गया, चलिए जय जिनेंद्रा, जय भोलेनाथ, जय हिंद, कल अगर तेज खुले तो शॉर्ट करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कोई गारंटी कॉल नहीं है, ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।